अश्लीलता और भद्देपन के आरोपों से आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री जूझ रही है। किसिंग और हॉट सीन्स बॉक्स ऑफिस पर फिल्में चलाने का शॉर्टकट फॉर्मूला बनते जा रहे हैं, लेकिन भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को लगता है कि आजकल इस फिल्म इंडस्ट्री में किसिंग सीन्स कलाकारों की मजबूरी बन गई है। एक इंटरव्यू के दौरान खेसारी लाल यादव ने कहा कि आज तक उन्होंने कभी सिनेमा के पर्दे पर किस नहीं किया और ना ही कभी करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं क्या बढ़ाऊंगा, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं कोशिश करता हूं अच्छा करने की, और भोजपुरी इंडस्ट्री को हमारी ऑडियंस बढ़ा सकती है। गलत चीज़ों का आप एक्सेप्ट करेंगे तो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। अच्छी चीज़ों को, अब आजकल तो मैं देख रहा हूँ जो सारी फिल्मों में स्मोची चल रहे हैं, स्मोचिंग का तो जमाना आ गया। लोगों को लगता है कि उनकी टैलेंट खत्म हो गए हैं, सिर्फ स्मोच ही चलाएगा फिल्म को। अब हम तो दो तीन इधर फिल्म देखे हैं खाली, हिमेश रेशमिया, अब पता नहीं जी, हम ज़्यादा नोटिस नहीं किए हैं। हिमेश रेशमिया नहीं, आपको वो इमरान हाशमी बहुत लोग हो गए हैं आजकल, बहुत लोग हैं। तो ज़्यादा करके मैं चाहूँगा कि ब्लगरटी से हर इंसान और हर कलाकार को हटना चाहिए, क्योंकि स्मोची अगर हमारी भोजपुरी को चलाएगा या पिक्चर चलाएगा तो फिर इंसान ये फिल्म क्यों देखेगा, कुछ और देखेगा ना, क्योंकि इससे ज़्यादा इंटरटेन तो उसमें उसको मिलेगी। तो हमारी भाषा है ये, हमारी माँ बहनें आती हैं, माता बहन बेटी आती हैं, हमारी अपनी भी माँ फिल्म को देखती है, और मेरी माँ यही देखेगी कि हाँ मेरा बेटा किसी और लड़की के साथ स्मोच कर रहा है, पर्दे पर कर रहा है। पर्दे के पीछे जो चीज़ें होती है वो दुनिया नहीं देखती है, और पर्दे पर अगर हम उस चीज़ को, अगर जो पर्दा के पीछे की चीज़ है और उसको हम अगर पर्दे पे एक्सपोज करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ये दुखद भरी घटना है और लोगों को नहीं होना चाहिए। कोई भी इंसान हो, चाहे वो खेसारी लाल क्यों ना हो, मैंने आज तक अपने फिल्मों में कभी स्मोच नहीं किया और ना ही कभी अंधा करूंगा, क्योंकि हाँ अच्छा मैंने भी कभी भी नहीं किया। साथ में करेंगे आप लोगों से पूछ के स्किन के बाहर। चलिए, थैंक यू, आई लव यू।